नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आज की बड़ी खबरें आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसे एक वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ बोले, जोरदार तरीके से नए आपराधिक कानूनों पर आई है बड़ी प्रतिक्रिया। जानेंगे क्या कुछ है मामला दोस्तों। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी हो रही है दिन पर दिन मजबूत, बीजेपी में पड़ती जा रही है फूट। जानेंगे यहाँ पे बीजेपी के सहयोगी अब हो गए हैं कांग्रेस के साथ, दे दिया खुला समर्थन। वहीं दोस्तों, आप तक किसी प्रकार की ताजा बड़ी खबरें सही से पहुंचे, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो में आप लोग बने रहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय संविधान और वीडियो एक लाइक जरूर कीजिएगा, समर्थन दर्ज करवाइएगा। दोस्तों पहली बड़ी खबर आ रही है जहां पर जानते हैं सीजीआई की आई है बड़ी प्रतिक्रिया नए आपराधिक कानूनों पर। क्या कुछ कहा है दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यहाँ पे 1 जुलाई 2024 से लागू हुए 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में कुछ भी बोलने से फिलहाल तो इनकार कर दिया है। दरअसल सीजीआई चंद्रचूड़ दिल्ली में करकरडूमा शास्त्री पार्क और रोहिणी में 3 न्यायालय भवनों के निर्माण के शिलान्यास समारोह में पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने यहाँ पे नए आपराधिक कानूनों पर बोलने से साफ मना कर दिया, कोई टिप्पणी नहीं की। सीजीआई ने कहा कि इन कानूनों से संबंधित मुद्दे शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित हैं, इसलिए वह इस बारे में नहीं बोलेंगे। सीजीआई ने कहा, ये ऐसे मुद्दे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं और संभवतः अन्य उच्च न्यायालयों के समक्ष भी लंबित हैं, इसलिए मुझे न्यायालय के समक्ष आने वाली किसी भी बात पर बोलना नहीं चाहिए। नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से यहाँ पर देश भर में लागू हो गए हैं दोस्तों। दरअसल दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पीआईएल दायर की गई, जिसमें इन आपराधिक कानूनों की व्यवहार्यता का आकलन करने और उनकी पहचान करने के लिए एक विशेष समिति गठित करने के निर्देश जारी करने की मांग की गई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नए आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा था कि ये कानून अभी लागू नहीं है। 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने नए आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका और है उसे यहाँ पे खारिज कर दिया था कि यहाँ पे याचिका लापरवाही से तैयार की गई है। देख सकते हैं अन्य मामले लंबित हैं, इसीलिए सीजीआई ने फिलहाल दोस्तों कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। वहीं राहुल गांधी की लोकप्रियता जिस कदर दोस्तों बढ़ रही है, लोपी राहुल गांधी की लोकप्रियता यहाँ पे इस कदर बढ़ी है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के मामले में भी वह आगे निकल चुके हैं। इसी क्रम में आपको बताते चाहे दिन ब दिन कांग्रेस पार्टी और भी ज्यादा मजबूत ताकतवर होती जा रही है। आपको बताते चले, मल्लिकार्जुन खड़गे, एलओपी राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल आदि के साथ यहाँ पे सीएम रेवंत रेड्डी भी मौजूद रहे। इनकी उपस्थिति में यहाँ पे राज्यसभा सांसद केशव राव बियारस छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। केशव राव बियारस के बड़े नेताओं में से एक माने जाते थे और अब यहाँ पे बियारस छोड़ के कांग्रेस पार्टी में आए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी मौजूद रहे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से 2024 के आम चुनाव में प्रदर्शन किया है उससे यहाँ पे काफी जनाधार बढ़ा भी है और यहाँ पे कई नेता अब कांग्रेस पार्टी में आने के इच्छुक भी दिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक ताजा बड़ी खबर अभी अभी आ रही है, बीजेडी ने दिया है विपक्ष का साथ, बीजेपी को दिया बड़ा झटका। दोस्तों आप सभी को बताते चले, बीजेडी, बीआरएस और यहाँ पे कई ऐसी पार्टियां हैं जो अभी तक बीजेपी के समर्थन में रही थी, वहीं ओडिशा की सत्ता से बेदखल होने के बाद अब बीजेडी नींद से जागी है। बीजेडी ने विपक्ष का साथ दिया लेकिन वाईएसआरसीपी का नहीं बदला रुख, सरकार के साथ दिखाई हमदर्दी। दोस्तों आपको बताते चलें, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में संसद के अंदर क्षेत्रीय पार्टियों ने रुख बदल दिया है। किसी संगठन में शामिल नहीं रहने वाली मगर ऐन मौकों पर अब से पहले एनडीए का समर्थन करने वाली बीजेडी ने इस बार पूरी तरह विपक्ष रोधी यहाँ पे विपक्षी रुख अपनाया है और सत्ता पक्ष का विरोध कर रहे विपक्ष के साथ वॉकआउट किया। वहीं आंध्र की वाईएसआरसीपी कांग्रेस ने विपक्ष के प्रदर्शनों से दूरी बनाए रखी और यहाँ पे केंद्र सरकार का साथ दिया। दोनों ही पार्टियों ने यहाँ पर लोकसभा चुनावों में करारी हार का सामना किया। इसके साथ ही इन दोनों पार्टियों के हाथ से बीजेडी के ओडिशा और वाईएसआरसीपी के आंध्र की सत्ता निकल गई, लेकिन वाईएसआरसीपी अब भी बीजेपी का समर्थन करने में लगी है, अभी तक नींद से जागी नहीं वाईएसआरसीपी। वहीं आपको बताते चलें, बीजेडी के मात्र यहां पे 9
सांसद हैं राज्यसभा के। लोकसभा में इस बार इनका एक भी प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहा है, कोई भी सांसद नहीं जीता है, ये ताजा बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों। इस समय की अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। एलओपी राहुल गांधी लगातार यहां पे बीजेपी को घेर रहे हैं, खासकर अग्निवीर योजना को लेकर। राजनाथ सिंह ने संसद में अग्निवीरों के आर्थिक सहायता को लेकर झूठ बोला। राहुल गांधी बोले उन्हें देश और सेना से माफी मांगनी चाहिए। लगातार सरकार को घेरने में लगे हैं राहुल गांधी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि रक्षा मंत्री ने खुलेआम संसद में झूठ बोला कि अग्निवीर की मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिलने के बारे में जो बात उन्होंने कही, 1 करोड़ रुपए दिया जाता है, वह सरासर झूठ है। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने पंजाब के एक दिवंगत अग्निवीर अजय सिंह के पिता का वीडियो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके परिवार को अभी तक 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता नहीं मिली, जबकि सरकार ने जान गंवाने वाले अग्निवीर के परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद दिए जाने की बात हाल ही में संसद में कही। रक्षा मंत्री ने ये बात कही और अब देख सकते हैं किस प्रकार से बीजेपी अपने ही जाल में फंसती जा रही है और यहाँ पर राहुल गांधी फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार नीट का मामला भी उठा रहे हैं। राहुल गांधी चाहते थे कि सरकार नीट पर चर्चा करे, लेकिन दोस्तों नरेंद्र मोदी की सरकार ने सदन को अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं राहुल गांधी छात्रों के हित की बात उठाना चाहते थे, नीट मामले पर चर्चा चाहते थे, लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई। इस पूरे मामले पर भी कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है यहाँ पे केंद्र सरकार पे। झारखंड से आ रही है बड़ी खबर, राज्यपाल ने अभी तक हमें शपथ ग्रहण की तारीख नहीं दी, बोले हैं यहाँ पे हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। वहीं जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। चंपाई सोरेन ने पद से हटने के बाद मीडिया से कहा यहाँ पे कि कुछ दिन पहले उन्हें यहाँ पे सीएम बनाया गया और अब वापस राज्य की जिम्मेदारी मिली है। हेमंत सोरेन के वापस आने के बाद हमारे गठबंधन ने फैसला लिया और हेमंत सोरेन को अपना नेता चुना। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ ये अपडेट निकल गया है, चंपाई सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दिया। उधर सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी तक फिलहाल शपथ ग्रहण की तारीख नहीं दी गई है राज्यपाल की ओर से। इसके साथ ही दोस्तों राज्यसभा में पीएम के संबोधन के बीच ही जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने की जोरदार नारेबाजी। राज्यसभा में पीएम के संबोधन के बीच ही विपक्ष ने वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में खड़गे हैं, बोले हैं कि झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना हो गई है पीएम मोदी की आदत। देख सकते हैं राज्यसभा में इंडिया गठबंधन के साथ साथ बीजेडी सांसदों ने भी पीएम मोदी के भाषण का वॉकआउट किया है। देख सकते हैं किस प्रकार से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे तो विपक्षी सांसदों ने विरोध किया, नारे लगाए और वॉकआउट किया। प्रधानमंत्री पर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। दोस्तों दिन भर की बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।